अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। होप सो यू विल बी फाइन। बाकी लोगों को बेटा मैसेज कर दें ग्रुप में के अंदर ना कि जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं ताकि हम रिमेनिंग आर्ट फेलियर को आज कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, वालेकुम अस्सलाम मुसरत बेटा, ग्रुप में मैसेज कर दें जल्दी से, बाकी लोग ऑनलाइन हो जाएं। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था हार्ट फेलियर के बारे में। वालेकुम अस्सलाम हीरा, होप सो यू विल बी फाइन एज वेल एज नुत्रत, वेलकम यू ऑल। कल हमने हार्ट फेलियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लाइक राइट हार्ट साइडेड फेलियर होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है और लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम सब सुंदस एज वेल, जेनिफर नुदरत, ओके वेल, वालेकुम अस्सलाम, वाओ गुड, बहुत से लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, सो नाइस ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, वेल वेरी गुड। ओके बेटा, राइट हार्ट फेलियर, वालेकुम अस्सलाम सुमैया, राइट हार्ट फेलियर के अंदर पेरिफेरल टिश्यू के अंदर कंजेशन होती है। उमेरा एज वेल, ओह वेरी गुड। ओके, राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर या राइट हार्ट फेलियर के अंदर कंजेशन ऑफ पेरिफेरल टिश्यू होती है, क्यों होती है कोई बताएगा? मुबीन हबीबुल्ला एज वेल, हबीब, कंजेशन क्या होती है? कंजेशन एक कंजेशन होती है, दूसरा हैपरीनिया होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंजेशन एंड हैपरीनिया? नहीं पता होगा, आई थिंक मैंने नहीं बताया होगा, मुझे लगता है। ओके लिसन वन थिंग मोर, अगर राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है, ये राइट वेंट्रिकल फेलियर है, तो उसका इफेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ऊपर पड़ेगा या पल्मोनिक सर्कुलेशन के ऊपर पड़ेगा? कंजेशन इज नैरोइंग, नो इसमें या नहीं, कंजेशन नैरोइंग नहीं है, लेटर ऑन बताता हूँ, वेट करें। पहले ये बताएं मुझे, कि अगर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है या राइट वेंट्रिकल फेलियर है या राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है, तो उसका इफेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ऊपर होगा या पेरिफेरल सर्कुलेशन के ऊपर होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, राइट साइड हार्ट फेलियर
ओके अदीला वेलकम बैक, वापस आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ, आवाज आ रही होगी मरियम। ओके वी वर डिस्कसिंग कि अगर राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होएगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, सपोज कर लेते हैं कि अगर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, ये राइट वेंट्रिकल ये सर्कल ईयर। ओके वेल, अगर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, ये राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शनिंग हो गई है, तो उसका इफेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ऊपर पड़ेगा या पल्मोनिक सर्कुलेशन के ऊपर पड़ेगा। आप लोगों ने बताया कि पल्मोनिक सर्कुलेशन के, ओके वेल, पेरिफेरल सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट होगा, एक्जैक्टली होगा, लेकिन पहला क्वेश्चन नहीं है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है राइट साइडेड जो हार्ट है कौन सी सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, विच सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड बाय राइट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, पल्मोनिक। ओके कैसे, वेल अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होएगा ना, एक बात याद रखिएगा, एग्जैक्टली अभी मुसर्रत एज वेल, एग्जैक्टली यू आर राइट एग्जैक्टली बेटा मुबीन एज वेल, अदीला एज वेल, फातिमा एज वेल, हमेशा याद रखिएगा कि अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है ना, तो उसने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू पल्मोनिक सर्कुलेशन जो मूवमेंट होती है वो नॉर्मली नहीं हो रही होती। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू पल्मोनिक सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो इम्पेयर होना शुरू हो जाती है। अगर ये सर्कुलेशन इम्पेयर होएगी या जो लेवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो नॉर्मली मेंटेन नहीं होएगा, तो व्हाट यू से कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं। हाइपोक्सिया नहीं बताना, हाइपोक्सिया के अलावा कुछ बताना है आप लोगों ने। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स में आ जाएगा। ओके एग्जैक्टली मरियम ऐसे ही होगा, लेकिन क्वेश्चन ये था कि अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ऊपर या पल्मोनिक सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर। तो बेटा इसका ये होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आ रहा होता है ना पल्मोनिक सर्कुलेशन के लिए, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन से पल्मोनिक सर्कुलेशन में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ हुआ है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर पल्मोनिक सर्कुलेशन को मेंटेन कर रही होती है और पल्मोनिक सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगी। तो क्या क्या इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अकमुलेट हो गया है, उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट आर द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स दैट अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट ऑल्टर्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। हाइपोक्सिया के अलावा आप लोगों ने बताना है। ओके वेल मिश्रा वालेकुम अस्सलाम, एसिडोसिस हो जाएगा। ओके चले मान लेते हैं एसिडोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ओके इसके अलावा कोई कार्डियक आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। चले मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो इसका इफेक्ट कार्डियक आउटपुट पे पड़ेगा, मेटाबॉलिक इंपेयरमेंट हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, मान जाता हूँ हो जाएगी, रेस्पिरेटरी भी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने डायरेक्ट ये बात की है कि आप हाइपोक्सिया की तरफ ना मूव कीजिएगा, एसओबी डिस्निया की तरफ ना जाए प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसका इफेक्ट लेफ्ट साइड पे ऊपर क्या पड़ेगा, कार्डियक आउटपुट क्या होती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा वाओ, कैसे कुदरत कार्डियक आउटपुट कैसे इंक्रीज होएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। ओके डिक्रीज होगा, ठीक है डिक्रीज क्यों होगा, ओके लिसन, अगर राइट साइड हार्ट फेलियर है डेफिनेटली ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, सेकेंडली ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा,
थर्डली कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी। अब जब कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होएगी या डिक्रीज होएगी, ओके वेल हाइपोटेंशन हो जाएगी, नो डाउट हो जाएगी। जब कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी तो व्हाट आर द कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स दैट आर एक्टिवेटेड। अब आ जाए कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरफ, फिर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होएगी, ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स ब्रेन रिड्यूस हो जाएगी, टूवर्ड्स किडनी रिड्यूस हो जाएगी, टूवर्ड्स जी आई टी रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताना कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो सकते हैं। लाइक नॉर्मली ब्रेन को कितनी कार्डिक आउटपुट चाहिए होती है, किडनी को कितनी चाहिए होती है, ओके रास सिस्टम की एक्टिवेशन हो सकती है, डेफिनेटली हो जाएगी। इसके अलावा अब देखिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स, अब ये मैंने आपको अभी बताने के कंपनसेटरी मैकेनिज्म कैसे एक्टिव होते हैं कि राइट साइड अगर हार्ट फेलियर हुआ है तो आपकी ये चीज़ें फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हुआ, कि कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होने की वजह से अगले साइन और सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ओके दूसरी चीज़ ये है कि अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होएगा ना तो जो वेनस रिटर्न होती है वो आपकी टोटल राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन हो रही होती है। बट यू से पेरिफेरल एडीमा, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, ओके पेरिफेरल एडीमा डिपेंडेंट अब एडीमा होना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली यस, ओके वेल वेरी गुड। ओके दूसरी बात याद रखिएगा कि जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होएगा ना तो पेरिफेरल कंजेशन होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल मैंने आपको ऐसे दी थी कि सपोज एक कमरे के अंदर 50 सीटिंग कैपेसिटी है, आप उसके अंदर 70 या 80 लोग उसको गैदर करवा देते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस एरिया के अंदर कंजेशन होना शुरू हो जाएगी। सेम सिनेरियो विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर जो नॉर्मली ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर मूव कर रहा होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन में होता है, वो ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो गया ड्यू टू रिडक्शन इन द कार्डिक आउटपुट, तो अल्टीमेटली अब ये कंजेशन पेरिफेरल टिश्यू के अंदर कंजेशन होना शुरू हो जाएगी और लीवर के अंदर कंजेशन होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? ओके दूसरी कंडीशन ये है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगी, एग्जैक्टली होगी, ओके मरियम, ओके। इसके अलावा जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन या वेनस रिटर्न मेंटेन नहीं होगी तो अल्टीमेटली बैक फ्लो की वजह से पुलिंग ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाएगी, जब पुलिंग ऑफ ब्लड होगी तो दैट विल इंक्रीज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली डिपेंडेंट एडीमा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लीवर कंजेशन होगी, लीवर का फंक्शन इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाएगा, जी आई कंजेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब लीवर के अंदर कंजेशन हो रही है, जी आई टी ट्रैक के अंदर कंजेशन हो रही है, अब जब जी आई टी ट्रैक के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर कंजेशन होगी दैट विल लीड टू एनोरेक्सिया, जी आई डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाएगी, एनोरेक्सिया की कंडीशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पेप्टिक अल्सरेशन हो सकती है, इसके अलावा एनोरेक्सिया की कंडीशन की वजह से वेट रिडक्शन हो सकती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, एनरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। राइट इट? तो ये वो साइन और सिम्टम्स हैं, ये वो साइन और सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मली राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से हो रहे होते हैं, कंपनसेटरी मैकेनिज्म से ज्यादा देख लें। इसलिए मैंने आपको उस दिन कहा था, कल कहा था कि वो जो डायग्राम पीपीटी के अंदर शो हुई है उस डायग्राम को देखिएगा, आप लोगों ने डायग्राम नहीं देखी होगी क्योंकि अभी लेटर ऑन डायग्राम देखते हैं। यहाँ तक क्वेरी एक बात याद रखिएगा, अगर राइट साइड हार्ट फेलियर है तो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर कंजेशन होएगी, अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो पल्मोनरी कंजेशन होएगी। और ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में पूछा होता है कि अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो कंजेशन कहाँ पे होएगी, लीवर के अंदर कंजेशन होएगी, जीआईटी के अंदर कंजेशन होएगी, एज वेल एज पेरिफेरल कंजेशन होना शुरू हो जाएगी। ओके अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट हार्ट फेलियर, उसके अंदर पहली चीज कार्डिक आउटपुट रिडक्शन हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, दूसरा साथ में क्या होगा कि पल्मोनरी कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही पल्मोनरी कंजेशन होगी तो दैट विल लीड टू इंपेयर गैस एक्सचेंज, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से गैसेज एक्सचेंज इंपेयरमेंट होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही गैसेज एक्सचेंज इंपेयर होगी, इंपेयरमेंट होगी, देन इट विल लीड टू साइनोसिस एंड हाइपोक्सिया एज वेल। इसके अलावा अगर पल्मोनरी एडीमा हो जाता है साथ में, लाइक पल्मोनरी कंजेशन हुई है, एक तो गैसेज एक्सचेंज इंपेयरमेंट होगी, सेकेंड अगर पल्मोनरी एडीमा हो गया है तो पेशेंट्स थोपनिया के साथ प्रेजेंट करेगा, कफ के साथ प्रेजेंट करेगा, लक्चुरी डिस्निया के साथ प्रेजेंट करेगा, और जब कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होएगी तो अल्टीमेटली टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी तो पेशेंट शॉक में जाना शुरू हो जाएगा, कार्डियक शॉक को लीड करेगा,
ओके कंजेशन बेटा, बहुत में रिपीट कर देता हूँ बेटा। कंजेशन मैंने ये कहा है कि अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होएगा तो लीवर के अंदर कंजेशन होएगी, जीआईटी ट्रैक के अंदर कंजेशन होएगी, एंड थर्ड वन इज पेरीफेरल कंजेशन हो जाएगी, पेरीफेरल टिश्यू के अंदर कंजेशन हो जाएगी अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो पल्मोनरी कंजेशन होएगी, पल्मोनरी कंजेशन भी कहा जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन भी कह सकते हैं आप। और दूसरा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होएगी और पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी या पल्मोनरी कंजेशन होएगी। गॉट इट? जब पल्मोनरी कंजेशन होएगी तो डेफिनेटली इट विल लीड टू पल्मोनरी एडिमा एज वेल एज इम्पेयर गैसेज एक्सचेंज, और गैसेज एक्सचेंज होएगी तो साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी, हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, वट एवर द साइन एंड सिम्पटम्स विल अपीयर। इंस्टेड ऑफ दैट वंस देयर इज ए पल्मोनरी एडिमा अल्टीमेटली पेशेंट विल रिप्रेजेंट एज ए ऑर्थोपनिया। इसके अलावा कफ हो सकती है, ल्यूक्चुरल डिस्निया हो सकता है, दीज आर द साइन एंड सिम्पटम्स दैट आर मोस्टली सीन इन द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। गॉट इट? अब नेक्स्ट आपने ये एक डिफरेंशिएट करना है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा, अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा। और हमेशा राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर डिपेंडेंट एडीमा कामन होता है, एसआईटीज कामन होती है, एसआईटीज लीवर कंजेशन की वजह से। गॉट इट? ओके मरियम गोल नुदरत सर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज नहीं होएगी राइट साइडेड हार्ट फेलियर में? बेटा डेफिनेटली होएगी, क्योंकि पीछे से ब्लड राइट साइडेड हार्ट फेलियर से प्रॉपर पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जा रहा होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन से आगे अल्टीमेटली राइट चैम्बर की तरफ नहीं मूव करेगा। जब राइट चैम्बर में मूव नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट विल बी रिड्यूस है, लेकिन इतनी रिड्यूस नहीं होगी, कंपनसेशन के तौर पर मेंटेन हो रही होगी। इजेक्शन फ्रैक्शन के ऊपर हम डायग्नोज कर रहे होते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर और नॉट, ओके। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करें तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट ही रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट है। लेफ्ट साइड रिपीट कर दें प्लीज। ओके शहजाद बेटा, मैंने ये बताया बेटा कि अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो पहला इफेक्ट आपका रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट, एंड सेकेंड वन इज पल्मोनरी कंजेशन। अगर पल्मोनरी कंजेशन होगी तो अल्टीमेटली there will be an impairment in the gases exchange, and secondly there will be a pulmonary edema, okay? And once there is a impairment in gases exchange, ultimately it will lead to cyanosis, and as well as there will be a hypoxia, and if there is a pulmonary edema then it will lead to orthopnea, it will lead to cough, it will lead to nocturnal dyspnea, and these are the signs and symptoms. And if we talk about the cardiac output, then definitely it will lead to decreased tissue perfusion. बेटा डेफिनेटली शहजाद दोनों कंडीशन में डिक्रीज होगी, लेकिन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में ज्यादा रिडक्शन कार्डियक आउटपुट होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड बिल्कुल फेल हो चुकी है तो वो पंपिंग एबिलिटी ही नहीं रही। लेकिन अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो राइट साइड तो खराब हो चुकी है लेकिन लेफ्ट साइड तो ठीक है, लेफ्ट साइड ट्राई कर रही होगी कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने की। लेकिन क्या होगा कि पीछे से सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला ब्लड राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन ही नहीं हो पाएगा, और डेफिनेटली बेटर राइट साइडेड हार्ट फेलियर को कोर पल्मोनरी भी कहते हैं। एग्जैक्टली योर राइट। ओके यहां तक क्वेश्चन कोई? यहां तक क्वेश्चन? इसके अलावा लो पोर्ट हाई पोर्ट वर्सेस लो पोर्ट फेलियर भी कहा जाता है। अब ये जो लो पोर्ट आउटपुट है ये बेसिकली डिजिग्नेट कर रही होती है कार्डियक आउटपुट को। ओके अगर हम कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, जैसे ही आपका कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगी तो ब्लड फ्लो टूवर्ड्स रीनल फ्लो कम होना शुरू हो जाएगी। आप कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आप करवाएं, अगर रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होएगा? अच्छा दबा के या ऐसी कंडीशन में? अच्छा वो मेरा भी सेल करा लेना। कोर पल्मोनर का इसको, अच्छा अडिला बेटा राइट साइडेड हार्ट फेलियर को कहा जाता है। सर मैंने क्या मैं
ओके मूविंग टुवर्ड्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म, अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैं कह रहा था कि कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी। जब कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होएगी तो उसके रिजल्ट में ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होएगा तो रास सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी। ओके अब इसका नुकसान क्या होगा कि जब आपका हार्ट फेलियर हो चुका है, लेफ्ट साइडेड है, इधर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। ओके सर फैसल की आवाज रिड्यूस करवा देते हैं। ओके अब सर फैसल की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। ओके बात कर रहे थे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स की, तो शोर अप तो नहीं है बेटा फातिमा। कार्डियक आउटपुट जब रिडक्शन होगी तो अल्टीमेटली रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगी। रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस होगी तो आपके रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी। एंजियोटेंसिन 1 और 2 बनेगा, अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन होगी। एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर को रिटेन करवाएगा, साथ में वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा और वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करवा देगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन के रिजल्ट में हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और ये क्या करेगी, जब वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी वेनस रिटर्न या प्रीलोड इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगेन ये हार्ट के ऊपर बर्डन डालेगा, अगेन हार्ट के ऊपर बर्डन डालेगा। हार्ट के अंदर, हार्ट चैम्बर्स के अंदर या हार्ट मसल्स के अंदर या कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर एग्जॉशन होना शुरू हो जाएगी, फटीक होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? तो ये हार्ट की कंडीशन को वर्स करता जाता है, इसलिए हार्ट फेलियर के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स का एक्टिवेट होना भी हार्मफुल है। अनटिल अनलेस कि अगर नॉर्मल मैकेनिज्म्स, अगर हार्ट नॉर्मल है, फेलियर की तरफ नहीं जा रहा, तो देन कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो गए हैं दैट आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी, फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन। इफ देयर इज ए हार्ट फेलियर, ईदर इट माइट बी ए राइट हार्ट फेलियर, ईदर इट मे बी ए लेफ्ट हार्ट फेलियर, इफ द कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आर एक्टिवेटेड देन डेफिनेटली इट्स अ बर्डन ऑन द हार्ट। Got it. Okay. यहाँ तक क्वेश्चन। ओके मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसमें, जो कंपनसेशन के तौर पे राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हमने डिस्कस किया है, वो देखिएगा जरा आपको क्या समझ आती है। और ये हार्ट फेलियर आप लोगों ने पढ़ना है, नेक्स्ट वीक में हम इसका हार्ट फेलियर का क्वीज कंडक्ट करेंगे। थर्सडे वी हैव नो क्लास ना, यस थर्सडे को नहीं है, और कल आपका पास पूरा दिन है और मंडे को इंशाल्लाह वी विल हैव अ क्वीज ऑनलाइन होगा। ओके वेल बुशरा बेटा ये देखिएगा, ये डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम को देखिए जरा, जिसमें लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है और लेफ्ट राइट साइड हार्ट फेलियर है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अगर राइट हार्ट फेलियर होएगा दैट विल लीड टू डेफिनेटली लेफ्ट हार्ट फेलियर,
कोर्पल मेल राइट साइडेड वेल्वुलर डिजीज की वजह से हो सकता है, मायोकार्डियल डिजीज की वजह से हो सकता है, और इसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो आप लोग बता रहे थे, यू हैव अ डेफिनेटली गुड कंसेप्ट। और इसके अंदर सिस्टेमिक वेनस कंजेशन एंड पेरिफेरल एडिमा डेफिनेटली एट एंड आप देखेंगे रेसिडुअल ब्लड फ्लो इन द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट विल इंक्रीज द लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर एंड द वॉल्यूम, प्रेशर एंड द पल्मोनरी वेनस सर्कुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होगी जैसे आप बता रहे थे डेफिनेटली यस, और राइट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड वेनस रिटर्न की फॉर्म में आ रहा था सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर अकमुलेट हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा कॉमन होना हो जाता है और सिस्टेमिक वेनस कंजेशन आएगी। सिस्टेमिक वेनस कंजेशन कह सकते हैं या आप यू कैन राइट एज कंजेशन ऑफ पेरिफेरल टिश्यू, गॉट इट। अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी और साथ में पल्मोनरी कंजेशन होना शुरू हो जाएगी। अब पल्मोनरी कंजेशन और एडिमा कैसे होगा कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी जाएगी, टिश्यू एनॉक्सिया होगा, रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी, आपका रॉस सिस्टम की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी। जैसे रॉस सिस्टम एक्टिवेट होगा सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी, सोडियम और वाटर रिटेंशन होने की वजह से पल्मोनरी कंजेशन और पल्मोनरी एडिमा होना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने कि राइट साइडेड अगर हार्ट फेलियर होएगा तो उसके अंदर पेरिफेरल कंजेशन, लीवर कंजेशन और जीआईटी की कंजेशन होएगी, और अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसके अंदर पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी एडिमा ऑफ कार्डियक आउटपुट रिडक्शन होगी। गॉट इट। ओके, एक और डायग्राम थी इसके अंदर मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये वाली डायग्राम। यस, ये डायग्राम देखिएगा, इसमें क्या समझ आती है आपको, एक बैकवर्ड फेलियर है, फॉरवर्ड फेलियर है, और इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं। अब ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो आपको अल्टीमेटली फिंगर टिप पे होने चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज की वजह से हो सकता है, मायोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज या रिस्ट्रिक्टिव और पेरिकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स क्या एक्टिवेट होंगे, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से रॉस सिस्टम एक्टिवेशन होगी, सोडियम वाटर की रिटेंशन होगी, और अगेन जब सोडियम और वाटर रिटेन होएगा तो ये प्रेशर पड़ेगा हार्ट के ऊपर, मायोकार्डियम के ऊपर स्ट्रेस डलेगी, और नॉरेपिनेफ्रीन और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रीन और नॉरेपिनेफ्रीन रिलीज होंगे, या एटीरियल डाइट्यूरेटिक पेप्टाइड एएनपी या एएनएफ रिलीज होएगा, इसके अलावा टैकीकार्डिया होएगा जिसकी वजह से हार्ट मसल के अंदर कंजेशन शुरू हो जाएगी एंड दैट विल लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और अगर आप कंपनसेटरी मैकेनिज्म राइट वेंट्रिकल फेलियर में देखेंगे तो ये वजह हो सकती हैं, और मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कार्डियक वर्कलोड इंक्रीज होएगा, और सेल की स्ट्रिचिंग होना शुरू हो जाएगी फ्रैंकली स्टॉलिंग लॉ की वजह से, और कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट साइडेड या राइट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट और डायलेटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। जी सर, एक मिनट, शोर एक मिनट नहीं, दो मिनट के लिए ले लें। कौन सा अनुदरात आंसर आपका, आंसर कौन सा गलत था? आपको ये स्लाइड्स मैंने शेयर की हुई हैं, ओके बेटा। अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होएगा तो उसकी वजह से लेफ्ट हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाएगा, अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अब जैसे राइट हार्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो रही, अल्टीमेटली आपकी अगेन कार्डियक आउटपुट रिडक्शन होगी। इसके अलावा और कंडीशन क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसके इफेक्ट राइट साइडेड हार्ट फेलियर के ऊपर पड़ेगा।
कार्डिक रिडक्शन होने की वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे, कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे तो वेनस रिटर्न बढ़ाएंगे, जब वेनस रिटर्न बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली प्रेशर आपके राइट साइड पे पड़ेगा, अगेन राइट साइड हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को लीड कर रहे होते हैं। ओके डेफिनेटली बेटा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन इफेक्ट होती है राइट साइड हार्ट फेलियर में, क्योंकि राइट साइड हार्ट में ना पल्मोनरी सर्कुलेशन को मेंटेन करना होता है। नुसरत बेटा आपने सही बताया था, पल्मोनरी सर्कुलेशन ही इफेक्ट होती है, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन होने की ना होने की वजह से, इफेक्ट होने की वजह से सिस्टेमिक और पेरिफेरल वो कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो पल्मोनरी कंडीशन है वो आपके लेफ्ट हार्ट फेलियर में हो रही होती है, लेकिन सर्कुलेशन की बात कर रहे थे कि सर्कुलेशन आपकी राइट साइड हार्ट फेलियर होने की वजह से पल्मोनरी सर्कुलेशन इंपेयर होगी। अब सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, कोरोनरी सर्कुलेशन होती है। आपका राइट साइड हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, आपका लेफ्ट साइड हार्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। तो आप लोग सही बता रहे थे, गॉट इट। ओके अगर रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जब पल्मोनरी कंजेशन होएगी उसके रिजल्ट में क्या क्या हो सकता है। अब देखिएगा जो पल्मोनरी कंजेशन है इधर किस वजह से हो रही थी, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से हो रही थी, उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, डिस्निया जिसे कह रहे थे, डिस्निया रिलेटेड टू इंक्रीज एक्टिविटी, एक्सर्शनल डिस्निया हो सकता है, थोपनिया हो सकता है, ये सर्टेन कंडीशन होती हैं। गॉट इट अदीला, अभी भी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो प्लीज। ओके अब मेरा अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों से ये है कि फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा हार्ट फेलियर के अंदर कैसे होता है, हार्ट फेलियर के अंदर फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा कैसे होता है। हालांकि ये पहले आपको बता चुका हूं, ओके वेल अजीरा इंपेयर्ड गैसेस एक्सचेंज की वजह से साइनस डेफिनेटली होती है। मरियम यू आर राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा, ये फ्लूइड ओवरलोड और रिटेंशन हार्ट फेलियर के अंदर कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। और इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन और नया की क्लासिफिकेशन, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। In right side heart failure there is a dependent edema due to condition of liver. Exactly Mariam, बिल्कुल सही बता रही हैं आप, और ये लिख के रख लीजिएगा, काम आएगा आपके। हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा होता है, पल्मोनरी कंजेशन होती है, एरोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने से एडिमा होगा। ओके बेटा मैंने ये कहा, ओके ठीक है आप दिला आपने सही बताया, लेकिन फ्लूइड ओवरलोड कैसे होएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा कैसे, फ्लूइड ओवरलोड कैसे होगा। आलिया कह रही है कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, अच्छा पल्मोनरी एडिमा, ओके कम हो जाता है। मुबीन कह रही है कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और बैक फ्लो बढ़ जाता है जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा हो जाता है। ओके सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन का कोई रोल नहीं है क्या, कार्डियक आउटपुट जब डिक्रीज होएगी तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे, फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाएगा, जब फ्लूइड रिटेन होता है तो आपको पता है एडोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से होता है, और ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन की वजह से होता है। जब लीवर कंजेशन होगी तो अल्टीमेटली रिडक्शन इन ऑनकोटिक प्रेशर एज वेल एज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो दैट विल लीड टू एडिमा। इसके अलावा जब वेस्ट प्रोडक्ट्स
ब्लड के अंदर अकमुलेट हो जाएंगे तो दैट विल लीड टू इंक्रीज वेस्कुलर प्रोबेबिलिटी। जब वेस्कुलर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो देन अदर कंडीशन जिसमें फ्लूइड लीक आउट होकर इंटरस्टीशियल स्पेस के अंदर चला जाएगा। ओके अनुदर क्या रिपीट करूं बेटा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ओके मरियम वेल। ओके यहां तक क्वेश्चन, अनुदर क्या रिपीट करना बेटा, लेट मी नो प्लीज। कार्डियक हाइपरट्रॉफी कॉजेज उसकी क्या क्या हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, कार्डियक डायलेटेशन, उसकी कॉजेज एंड दैट्स ऑल। ओके बेटा मैं ये बता रहा था कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पूरे वॉल्यूम की वजह से होता है, ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन की वजह से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। जब लीवर कंजेशन हो जाती है ना तो नॉर्मली लीवर से प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है तो सिंथेसिस रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा ब्लड वेसल के अंदर तो दैट विल इंक्रीज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में फ्लूइड को बाहर निकालना होता है ब्लड वेसल से और ऑनकोटिक प्रेशर ने वापस वेनस रिटर्न का हिस्सा बनाना होता है। ठीक है तो जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना तो फ्लूइड बाहर ही रहेगा, इनसाइड द ब्लड वेसल नहीं आएगा, इसकी वजह से एडीम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन बेटा ये होती है कि जब ब्लड के अंदर ना वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो ये बेसिकली ब्लड वेसल की इंजरी काज करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा वेस्कुलर प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, जब वेस्कुलर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो फ्लूइड लीक आउट होके इंटरस्टीशियल स्पेस के अंदर जाएगा। सेकेंडली ये होता है कि जो नॉर्मली प्रोटीन लीक आउट नहीं हो सकती, जब वेस्कुलर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो वो प्रोटीन्स लीक आउट होकर इंटरस्टीशियल स्पेस के अंदर बैठ जाती हैं और वहाँ पे अपना ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करती हैं। जैसे ही वो अपना ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करेंगी तो अल्टीमेटली वो भी फ्लूइड को ड्रेन कर रही होती हैं अपनी तरफ से। ओके ठीक है शहजाद, ऑलमोस्ट इतना ही है। ओके राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, कार्डियक डायलेटेशन, ये क्या होती हैं? अब देखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह क्या हो सकती हैं? सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। व्हाट यू से कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी? आपको पता है आपका जो ब्लड है जो प्रेशर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही जनरेट कर रहा होता है। अब जब आगे से ब्लड ज़्यादा होएगा तो अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेटेशन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसको फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है। आगे रेजिस्टेंस है, एओर्टा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, फ्लूइड बढ़ा हुआ है, फ्लूइड बढ़ा होने की वजह से रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस की वजह से वेंट्रिकल्स के ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो अल्टीमेटली उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड वन इज एओर्टिक स्टेनोसिस या इनसफिशिएंसी है। अब एओर्टा ने नॉर्मली डायलेट होना होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है तो अल्टीमेटली अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल को फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा और जो एओर्टा है वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकेगा। यह मिट्रल वॉल इनसफिशिएंसी है, पोर्टेशन ऑफ एओर्टा है, क्रोनरी आर्टरी के क्लियन हो चुकी है, कंजेनिटल एबनॉर्मिटीज लाइक सेप्टल डिफेक्ट्स हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है। व्हाट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एनीबॉडी नोस? एक डक्टस विनोसिस होता है, दूसरा डक्टस आर्टरियोसिस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डक्टस विनोसिस एंड डक्टस आर्टरियोसिस? जिसने किसी ने फीटल सर्कुलेशन पढ़ी है, अगर फीटल सर्कुलेशन पढ़ी है तो मेरा ख्याल है आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस और डक्टस विनोसिस डेफिनेटली आएगा, अगर नहीं पढ़ी तो फिर नहीं आएगा। ओके लिसन क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू से कि जब बेबी फीटस के अंदर होता है तो उसका ब्लड लीवर के अंदर जा रहा होता है, और दूसरा जब बेबी फीटस के अंदर होता है तो क्या उसका ब्लड लंग्स के अंदर जा रहा होता है?
ओके, उधर लेफ्ट और राइट का हॉल ओपन रहता है, आज अकाउंट्स कहाँ पे बेटा? ओके, दो क्वेश्चन है आप लोगों से। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर फेटल सर्कुलेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो एक बात याद रखिएगा कि लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होती और लीवर की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होती। आप कहते हैं डक्टस आर्टियोसिस और डक्टस स्विनोसिस, ये आप लोगों ने पढ़ना है और ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डक्टस स्विनोसिस कौन सी कंडीशन है और डक्टस आर्टियोसिस कौन सी कंडीशन है। अगर लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जा रहा तो डक्टस आर्टियोसिस होता है, अगर लीवर की तरफ ब्लड नहीं जा रहा तो डक्टस स्विनोसिस होता है, और ये कौन सी कंडीशंस होती हैं जो डक्टस आर्टियोसिस और डक्टस स्विनोसिस काज करती हैं, राइट? डक्टस स्विनोस नहीं, कुदरत ऐसा नहीं है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, लेकिन आप बता रही हूँ, आप पढ़िएगा इसको, ठीक है? बाकी लोग भी इसको पढ़ेंगे, डॉक्टर आर्टियोसिस और डॉक्टर स्विनोसिस को, एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास एज वेल। ओके, आर्टिफिशियल, ओके आर्टिफिशियल बेटा फिजियोलॉजिकल ओपनिंग होती है, आर्टिफिशियल नहीं होती, लेकिन बर्थ के ऊपर ये क्लोज हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन ओपनिंग कहाँ कहाँ पे होती है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है? कौन से चैम्बर के साथ कनेक्शन होता है, और सेकेंडली पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन को इनिबेट कैसे किया जा रहा होता है, ठीक है? और डक्टस स्विनोसिस के अंदर क्या हो रहा होता है, कहाँ से ब्लड सप्लाई लीवर को नहीं जा रही होती। ओके, यहाँ तक की क्वेरी रिलेटेड टू हार्ट फेलियर आज के लेक्चर के, इसका नाम ओके ओके नुदरत, ठीक है ठीक है नुदरत, आपने किए आप लोग सबकी असाइनमेंट है डॉक्टर आर्टियोसिस और डॉक्टर स्विनोसिस को पढ़ना, मैंने राइट कर दिया है, ठीक है? इसके अलावा कोई और क्वेरी? बेबी जब क्राई करता है तो लंग्स की सर्कुलेशन पेटेंट हो जाती है। ओके, पेटेंट डॉक्टर आर्टियोसिस। ओके, नुदरत को थोड़ा सा पता है मुझे लग रहा है, नुदरत पीट्स में काम करती है। ओके, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकती है, ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी हो सकती है, मिटरल वॉल स्टेनोसिस हो सकती है, क्रोनिक लंग डिजीज हो सकती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डेफिनेटली लीड कर रही होती है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। कार्डियक डिलेशन, hypertrophy of the heart is accompanied by cardiac dilation, stress leading to accumulation of excessive volume of blood in a chamber of heart causes increase in length. Compensatory mechanisms ki wajah se filaments hote hain unki elongation hona shuru ho jati hai, ye myocardial fibers hote hain unki elongation hona shuru ho jati hai cardiac dilation ke andar. ओके, इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले ग्रुप में शेयर किया हुआ है ये लेक्चर, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास वी हैव मंडे को सिक्स टू सेवन पी एम है, राइट? और 6 to 7 PM में हार्ट फेलियर का टेस्ट पक्का। ओके, और नीलम हबीब अटेंडेंस काइंडली शेयर कर दीजिएगा मुझे।
ओके, कोई क्वेरी नहीं है, इंजॉय योर टाइम, नेक्स्ट क्लास के वेट करें फिर, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है आपकी जूनियर बैच के साथ, ठीक है। हार्ट फेलियर का एग्जैक्टली ये जो आप हमने आज डिस्कस किया है, कल डिस्कस किया था, ये ही ले लीजिएगा, इसको ही पूरा पढ़ लीजिएगा या बुक से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, ओके, सी यू पीएम इंशाल्लाह, सी यू, हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड, बाय बाय।